बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टुवर्ड्स मार्च। आज हम 21 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा विजिटेड विच कंट्री टू वॉर यस्टरडे। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, इन्होंने कल एक कंट्री का टूर किया है। वो कौन सा कंट्री है, उसका नेम बताइए। जी, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं, वो उन्होंने चाइना का टूर किया है। वो कल चाइना के सफीर से मिले। क्वेश्चन नंबर टू, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी शुजात मेट विच कंट्री एम्बेसडर। जी, फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चौधरी शुजात, ये किस कंट्री के एम्बेसडर से मिले कल लाहौर में। जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी शुजात हुसैन, इनकी मुलाकात जर्मन एम्बेसडर से हुई कल लाहौर में। इनकी मुलाकात जर्मन एम्बेसडर से हुई। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन एंजेलिना जोली टूर्स फ्लडेड एरिया इन पाकिस्तान। एंजेलिना जोली, इन्होंने कब टूर किया पाकिस्तान का, जो के फ्लड से मुतासर इलाके वहाँ पर उन्होंने टूर किया। उनके आने का मकसद वहाँ के जो फ्लडेड एरियाज के अफेक्टेड पीपल हैं उनको उनकी हेल्प करना था। तो ये कब उनका ये टूर हुआ है। जी, ये 20 सितंबर, मतलब कल के दिन इन्होंने सिंध में ये टूर किया है, जो कि फ्लडेड एरियाज थे वहाँ पर, वहाँ के लोगों की मदद के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर, विच अमेरिकन ब्रोक द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ड्राइविंग कॉर्वेट इन रिवर्स फॉर अ माइल। कौन से अमेरिकन ड्राइवर हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो बनाया है कि उन्होंने 1 माइल जो सफर है वो रिवर्स कार के साथ उन्होंने किया कुछ थोड़े से ही टाइम में। जी, ये स्कॉट बर्नर हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को कायम किया है, और ये रिकॉर्ड उनका गिनीज बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये उनका नोट किया गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, यूक्रेन एंड रशिया एग्री टू एक्सचेंज 200 प्रिजनर्स ऑफ द वॉर इन द मेडिएशन ऑफ। जी, आपको जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो इनमें मेडिएशन करके कंट्री ने बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि उन्होंने उनके जो प्रिजनर्स थे उनको एक्सचेंज करने के लिए दोनों कंट्रीज को रजामंद किया। तो ये बताइए, ये कौन सा कंट्री है जिसने इनके दरमियान मेडिएशन की और इनके जो प्रिजनर्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए इन्हें रजामंद किया। जी, ये तुर्की ने यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ ताल्लुकात इनके अच्छे थे, तो इन दोनों को इस बात पर राजी किया कि ताकि वो अपने प्रिजनर्स को एक्सचेंज कर सकें, तो मेडिएशन के तौर पर ये तुर्की ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टीम वॉन सैफ वुमेन चैंपियनशिप टाइटल 2022। कौन सी टीम जिसने सैफ वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप जो है वो उसको अपने नाम किया है। जी, ये बांग्लादेश है, इसने नेपाल को फाइनल में हरा कर अपने नाम किया है इस चैंपियनशिप को। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अंडर 17 जो सैफ मेंस चैंपियनशिप थी वो इंडिया ने जीती थी, उसमें भी फाइनल में नेपाल को शिकस्त हुई थी, और ये वुमेन जो चैंपियनशिप है इसमें भी नेपाल को शिकस्त हुई है, और ये इसको होस्ट भी नेपाल ही कर रहा था। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच फोर्ट टू बी रीनेम्ड एज देवगिरी फोर्ट। कौन सा फोर्ट है जिसका नेम रीनेम किया गया, उसका नेम देवगिरी रखा गया है। जी, ये फोर्ट महाराष्ट्र दौलताबाद इंडिया में था, जिसका नेम चेंज करके देवगढ़ी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर एट, विच कंट्री कैपिटल नेम हैज रीनेम्ड। कौन सा कंट्री है जिसके कैपिटल का दोबारा से नाम चेंज किया गया है, इससे पहले भी इसका नेम एक बार चेंज हो चुका है।
जी, ये कजाकिस्तान के जो कैपिटल नूर सुल्तान है उनका नेम दोबारा से अस्ताना रख दिया गया है, क्योंकि इससे पहले अस्ताना से चेंज करके नूर नूर सुल्तान रखा गया था। तो इसकी हम डेट भी देखते हैं, ये 23 मार्च 2019 को इस कैपिटल का नेम रीनेम किया गया था, अस्ताना से इसे नूर सुल्तान किया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसे नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022? जी, ये कौन सा कंट्री है जिसने ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन में टॉप किया है, जो इसकी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक? जी, ये वियतनाम है जिसने इस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन में इसे टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री विल होस्ट Under-19 वुमेन T20 कप 2023? कौन सा कंट्री Under-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप की क्यादत कर रहा है, 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा Under-19 वुमेन? जी, ये साउथ अफ्रीका इसकी क्यादत करेगा 2023 के जो Under-19 वुमेन T20 का वर्ल्ड कप होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली क्लोन द वर्ल्ड आर्टिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? कौन सा कंट्री है जिसने पहली बार दुनिया में पहली बार आर्टिक वुल्फ जो उसका क्लोन बनाया है, और ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है? जी, ये चाइना ने इसका क्लोन तैयार किया है जो कि आर्टिक वुल्फ का क्लोन है। इसका नेम माया है और इसे 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? जी, 21 सितंबर को हर साल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? कब अल्जाइमर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? हम आपको बताते जाएं, जो अल्जाइमर है ये आपके नर्व जो मतलब कि आपके दिमाग की जो बीमारी है उसके बारे में ये मनाया जाता है। ये अल्जाइमर एक डॉक्टर ही थे जिनके नाम से इनको मंसूब किया गया, उन्होंने ही इसको इसका डायग्नोस किया था फर्स्ट टाइम, तो उन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है। जी, ये भी 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जी, अब है क्विज की बात करेंगे अपने की। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया? विलियम क्रूक्स ने, जे.जे. थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर? जो रेफ्रिजरेटर है इसमें कौन सी गैस जो है वो यूज की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन या अमोनिया? कौन सी गैस यूज की जाती है? क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट टाइम एवर इलेक्शन इन अक्टूबर 2021? कौन सा कंट्री जो इनके इलेक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2021 में किए हुए हैं? ये करंट अफेयर्स भी हो सकता है और ये इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल पार्क इज लोकेटेड इन? एप्पल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है, ये किस कंट्री में है? ये कैलिफोर्निया में है या लंदन में है, सवात में है या कहीं भी नहीं, मतलब किस सिटी में है? तो आप इसका भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेस इज डैश डॉन एज साइबर क्राइम? ऑप्शन ए कंप्यूटर डिवाइसेस, बी इंटरनेट, सी बोथ ए बी या नन, कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिस साइबर क्राइम की असल डेफिनेशन क्या है, मतलब कि कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है कि अगर हम उसको यूज करेंगे तो वो साइबर क्राइम में आती है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछा गया था, जो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज होते हैं और भी काफी, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अब हम बात करते हैं जो हमारा कल का क्विज था उनके आंसर्स की। फ्रॉम विच कंट्री यूरी गैगरिन बिलोंग्ड? हमने ये क्वेश्चन कल पूछा था, तो इसका आंसर है रशिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? जी, इसका आंसर है जलालुद्दीन फिरोज।
क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट हु वाज मार्टियर्ड इन द वे। तो ये इनका नेम जो है वो हजरत हारिस बिन उमेर है। सिनोनिम ऑफ फ्लिट जो है इसका आंसर था स्टील। क्वेश्चन नंबर 5, द खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन 1290। ये 1290 में ये बनी थी और इसके जो फाउंडर थे हमने ऊपर पढ़े जलालुद्दीन फिरोज थे। थैंक यू आज के ये करंट अफेयर्स थे और ये आपके लिए क्विज शेयर किया है। आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमें फिलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।